वहाँ से है पटना मेट्रो जो है यहाँ पे इस एरिया में अंडरग्राउंड होने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं इस गेट से अंदर की तरफ आ गया हूँ और देखिए यहाँ पे जो है पटना मेट्रो का जो मीठापुर। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम हैं मीठापुर में और मीठापुर में जो है पटना मेट्रो का जो है वो बर्थ, देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग करके इसके अंदर जो है पटना मेट्रो का जो है वो बर्थ किया जा रहा है। दोस्तों क्या कुछ अपडेट है इस मीठापुर में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल वेब ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को, इस अपडेट को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना का ऑफिस का मेन अंदर जाने का गेट है और यहाँ पे देखिए पटना मेट्रो का जो बोर्ड इस प्रकार से लगा करके आगे जो है आगे तक जो है पटना मेट्रो का वर्क जो है चल रहा है। मैं चलता हूँ आगे और आगे से यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर अभी नहीं दिख पा रहा है तो मैं आगे चलता हूँ और आगे से आपको अंदर क्या कुछ काम है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सामने में क्रेन लगा हुआ है, बड़ा सा मशीन लगा हुआ है यानी क्रेन है और यहाँ पे देखिए इस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है, घेरा गया है और इस जगह पे जो है यानी मीठापुर में जो है पटना मेट्रो का कार्य जो है देखिए किस प्रकार जो है ऐसा देखने से लगता है कि अभी अभी जो है कुछ दिन पहले ही या फिर एक दो दिन पहले ही बैरिकेडिंग किया गया है और अंदर जो है काम जो है अभी उतना तेजी से नहीं हो रहा है। देखिए मैं यहाँ को अंदर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा अंदर की तरफ। तो देखिए यहाँ से मैं अभी आया हूँ, इधर आ गया हूँ और देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है, अंदर में एरिया को कवर कर लिया गया है मेट्रो का वर्क जो है करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है अंदर में भी कुछ भी काम नहीं दिख रहा है इस साइड में, आगे चलता हूँ उस साइड में और उस साइड में जो है आपको काम दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख लीजिए मैं इधर आ जाता हूँ और आपको इस साइड भी देखिए बैरिकेडिंग किया गया है पटना मेट्रो का और देखिए इस साइड जो है क्या कुछ काम, देखिए अभी जो है बैरिकेडिंग किया गया है, देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रखा गया है और काम जो है अभी इधर स्टार्ट में नहीं हुआ, मतलब काम करने के लिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है, घेर दिया गया है और ये जो है पुराना वाला बस स्टैंड का कैंपस आपको दिख रहा है। अभी मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे पहले मीठापुर बस स्टैंड का गेट नंबर 2 हुआ करता था। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, पुलिस चौकी भी है, मे आई हेल्प यू, जो पहले पुराना चौकी हुआ करता था मतलब बस को पास करने के लिए हूँ और चलता हूँ अंदर जाकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि पटना मेट्रो में क्या कुछ वर्क अभी हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इस गेट से अंदर की तरफ आ गया हूँ और देखिए यहाँ पे जो है पटना मेट्रो का जो मीठापुर का जो पटना मेट्रो स्टेशन है मीठापुर के नाम से जो रहेगा वो यहाँ पे बनने वाला है। पे जो मेट्रो स्टेशन होगा उसमें बहुत कुछ सुविधाएं होंगी, जैसे वेटिंग एरियाज होगा, हो सकता है यहाँ से बहुत जगह रूट का कनेक्शन होगा, जो भी होगा अभी तो वर्क प्रोग्रेस। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ अभी काम जो है प्रजेंट में चल रहा है। तो देखिए वहाँ पे जो है ये बैरिकेडिंग किया गया है, वहाँ पे क्रेन भी लगा हुआ है और काम जो है देखिए किस प्रकार अभी चल रहा है। अभी धूप का समय, हो सकता है लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से आपको जो है प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी जो भी दिख रहा होगा मैं अपडेट देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पे जो वर्क चल रहा है अभी, और ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आगे आर्यभट्ट का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से है पटना मेट्रो जो है यहाँ पे इस एरिया में अंडरग्राउंड होने वाला है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे आने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट था पटना मेट्रो का जो है कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा पटना मेट्रो अपडेट का, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने दिया है आपको मीठापुर बस स्टैंड का जो एरिया था उसका। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी और क्लिक करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।